बच्चों को डोसा बना के खिला दिया अच्छा अच्छा वाला, और अपने लिए बनाने गई तो देखो क्या हुआ, जल गया। मैं उधर गई कुछ काम करने और गलती से हाई फ्लेम पे छोड़ दिया था, और आके देखा जल गया। सुपर क्रिस्पी डोसा। वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मंडे है आज, शाम के 5 बज चुके हैं, ऑफिस टाइम खत्म हो चुका है। और लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि संडे पूरा मेरा बेड पे ही चला गया पेन में, बट मैं मंडे मॉर्निंग बिल्कुल ठीक हो गई थी, कोई पेन नहीं था, दवाई नहीं खानी पड़ी। हल्का सा हाथ में पेन है, बट एज सच कोई बॉडी एक फीवर वो सब नहीं है। और वेदर का तो पूछो ही मत, अभी थंडर स्टॉर्म हो रही थी, इतनी बारिश हुई और अभी देखो धूप हो गई है। हमारा खेत देखो पूरा जंगल हो गया। मैं ना काफी टाइम से देखा ही नहीं है नीचे जाके कद्दू खीरे क्या क्या आए हैं। मूंगरे तो लेके आ जाते हैं अनुज, फिर उसकी चटनी बनाते हैं, बेस्ट होता है यार, बहुत मजेदार चटनी होती है। अनारदाना पाउडर डाल के बनाते हैं, मैंने दिखाया था आप लोगों को एक बारी, बस धनिया पुदीना मूंगरे नमक काला नमक थोड़ा सा नींबू का रस और अनारदाना पाउडर, बहुत अमेजिंग बनता है। अभी मैं सुपर क्रिस्पी डोसा खाती हूँ और फिर लगूंगी थोड़ी सफाई में। आज ना डिनर के लिए कुछ बनाना नहीं है, काफी सारा कुछ रखा हुआ है लेफ्ट ओवर, पहले वो फिनिश करेंगे उसके बाद कुछ बनाऊंगी। डोसा का बैटर भी है, बट लिविंग रूम किचन ये सब अच्छे से क्लीन करना है मुझे। कितने सारे लैपटॉप हो गए ना, मेरे 2 लैपटॉप, अनुज के 2 लैपटॉप, फोन, टैबलेट्स, दुकान बन गई इलेक्ट्रॉनिक्स की। आई हैव 2 कार्डबोर्ड लैपटॉप। कार्डबोर्ड लैपटॉप भी है, यशा ने बनाया है पूरा एकदम प्रॉपर, जैसे एप्पल का लैपटॉप होता है ना वैसा ही डेस्कटॉप। It's been 4 weeks since you called, and I've been waiting here for you all along. I've been waiting here for you all along. Okay, pineapple grapes acha lagega? Yeah, I think. You think? I'll just drink some juice, and then I'll see if it tastes good. Acha, tabhi popsicle banayega? Yes. Okay. It tastes like grape pineapple. Perfect. केश आज कहाँ गए थे आप? डेंटिस्ट। डेंटिस्ट के पास क्या किया? केश के ना नीचे वाले दोनों दांत हिल रहे और पीछे से ऑलरेडी दांत आ चुका है, ये शक अभी यही हुआ था, तो अभी भी ना थोड़ा हार्ड है ही, तो इसलिए मैंने डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट ले लिया था। तो अनुज आज लेके गए थे, तो उन्होंने बस दांत की क्लीनिंग कर ली, वैसे ठीक है, समझा दिया कि 2 टाइम अच्छे से ब्रश किया करो, बट उन्होंने बोला 1 हफ्ते में गिर जाएगा जो हिल रहा है ना, तो कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। येशा का तो उन्होंने निकाल दिया था, एडमिंटन में थे हम, तो ये वेट कर रहा है कि टूथ फेरी आएगी और उसको कॉइन देके जाएगी। ये देखो धनिया आ गए, धनिया, धनिया, बैंगन, कितने सारे धनिया आ गए हैं, बैंगन देखो नीचे, और ये रहे बैंगन, ये तो छोटे छोटे बैंगन, वो साले बैंगन बहुत सही बनेंगे इसके, इस वीकेंड तोड़ लेना। अभी देखते हैं, और ये टमाटर, टमाटर तो अभी लाल हो जाएंगे थोड़े दिनों में, ये वाले हो रहे, ये छोटा वाला हो गया। हाँ अभी ये ऑरेंज, डिफरेंट वो कलर के मिलते नहीं है कॉस्को में, वैसे ही। ये ना खीरा तोड़ने का ना थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर छोटे रह जाए तो कड़वा लगता है, ज्यादा बड़े हो जाए तो खराब हो जाता है, देखने में इतना अमेजिंग लगता है ना, मन खुश हो जाता है। ये देखो, ये देखो खीरा, खीरा, मुंगरे तो बहुत हुए, टचवुड मुंगरे बहुत अच्छे हुए। एक बारी सब्जी भी बना ही लेते हैं, मैंने तो टेस्ट नहीं किया है। फिर वो कद्दू, कद्दू, ओ देखो कद्दू, ये रहा, ये रहा कद्दू, ये लंबे लंबे आएंगे या राउंड राउंड आएंगे? लंबे लंबे वाले आएंगे, वहां पे भी एक है, ये रहा, ये एक्चुअली जंगल टाइप्स बन गए है ना, और ये डालिया की कलियां, होपफुली एक वीक में आ जाएगा। सब पूछ रहे हैं सुची जॉब क्यों स्टार्ट की, क्या हो गया? खेती करने का जो ख्वाब है वो उनको पूरा करना है ना, खेत वेत लेंगे तो पैसे कमाने पड़ेंगे ना, इसलिए जॉब स्टार्ट कर। नहीं मजाक कर रही हूँ। केविश भी जा रहा है ना स्कूल, तो लगा कि, मुझे नहीं लगा, इनको ज्यादा लगा कि ऐसे ही पागल है और घर पे बैठी रहेगी और पागल हो जाएगी, इसको पहले ही बाल कम हो गए मेरे और नोचेगी तो बचेंगे ही नहीं। धक्का मार के बाहर निकाल दिया, पहले ही निकाल दिया स्कूल स्टार्ट हो। कितने मेरे सपने थे कि केयूष स्टार्ट करेगा स्कूल, मैं थोड़े दिन रिलैक्स करूंगी फिर जॉब ढूंढूंगी। हाँ। मेरी खुशी देखी नहीं, नहीं ऐसे कैसे हो सकता है भाई, खुद खुद उठ के जाना पड़ता और क्या।
बिल्कुल, ऐसे कैसे होने दे भाई हम। और बहुत लोग पूछ रहे थे कि कनाडा में एक सैलरी से चल सकता है कि नहीं, तो इसका ना यस या नो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि डिपेंड करता है ना कि उस एक बंदे की सैलरी कितनी है। ऐसे काफी फैमिलीज हैं जहाँ पे एक ही वर्किंग है, बट एक को अगर मान लो बहुत अच्छी सैलरी है, कुछ फैमिलीज में दो मिला के जितना कमाते हैं उतना अगर एक कमा रहा है, तो अपनी अपनी चॉइसेस हैं। कुछ एक फील्ड्स ऐसी हैं जैसे आईटी है, कुछ एक बिजनेसेस हैं, अगर कोई एक बंदा काम कर रहा है तो ठीक है चलता है और एक फैमिली को संभालता है, बट फिर दूसरा डिपेंड करता है आपकी चॉइस, आपको वर्क करना है क्या करना है। तो वही है कि देखो चलाने को तो थोड़े से में भी चल जाता है, और फिर जितनी अपनी ज़रूरतें बढ़ाओगे उतने बढ़ेंगी। एक टाइम था ननाइमो में जब प्रॉब्लम हुई थी, हम 4,000 में भी चला लेते थे, 4,000 एग्जैक्ट मिलता था, उतना ही सेविंग ऑफ कॉस्ट कहाँ से होगा, बट उतने में भी चला लेते थे। तो डिपेंड करता है आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आप कितने में चला सकते हो, तो कम में भी चल जाता है, और ज़्यादा का तो कोई लिमिट ही नहीं है, जितना आए कम ही होता है। ज़रूरतों को तो जितना बढ़ाओगे उतना बढ़ेगा, तो वही है। अभी हम पार्क आए हुए हैं, सोचे थोड़ी देर वॉक कर लेते, अभी इतना अच्छा वेदर था, धूप धूप, फिर टिप 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 बारिश शुरू हो गई है। आज एकदम मैचिंग मैचिंग है, यशा ऊपर से लेके शूज तक फुल ऑन। हाँ चलो सॉक्स भी। Where you been? Where did you go? I wonder if you found what you're looking for. Wonder if you found what you're looking for. Disguising as someone ये else. Kaun hai? It's not too late. I want you back. Disguising as someone else. So cute. Kya usne pehchana hai tujhe lagta hai? Kuch hota hai usse. I'd rather be with you than someone I don't know. Now it's like we're living in two separate worlds. Come on back to me, say that you won't go. I can't cope without you and I wanna hold you close. Say that you won't go. Say that you won't go. It's been so cold. Without you here, we barely said goodbye before you disappeared. It's been so cold without you here. I'm not gonna lie. मॉर्निंग एवरीवन, अभी हो रहे हैं 6:30, मैं 5:30 आजकल अलार्म लगाती हूँ, और उठते उठते वही 5:45 होता है, और किचन तक आते आते 6 बज जाते हैं। तो नींबू पानी और सिनेमन पाउडर डाल के मैंने पानी पी लिया था। एवरीडे सिनेमन पाउडर नहीं डालती हूँ, वीक में 2 या 3 दिन। आज बहुत ही क्विक सा लंच बनाने वाली हूँ, तो गोभी मैंने रात को ही काट के रख दिया था, कैरेट और आलू अभी कट किया है, और फ्रोजन मटर राइस भी सोक करके रख दिया था। अभी बनाऊंगी फटाफट से पुलाव इंस्टेंट पॉट में। सबसे पहले सॉटे मोड ऑन किया है, जीरा, लौंग, छोटी इलायची, स्टार एनी, सिनेमन स्टिक और तेज पत्ता। घी गरम हो चुका है, अनियन, सारी सब्जियां एक साथ ही ऐड कर दिया है, नमक, कश्मीरी चिली पाउडर, थोड़ा सा बिरयानी मसाला और गरम मसाला पाउडर। राइस डाल के थोड़ा सा घी के साथ और मसाले के साथ भून लेती हूँ। सब्जियां भी हैं इसलिए 2 कप राइस के लिए मैंने डाला है 2.5 कप पानी। जब मैं प्लेन राइस बनाती हूँ तो 1:1 का मेजरमेंट होता है। बेसिकली पानी डालने के बाद ना पूरा राइस और सारे वेजीज डिप हो जाने चाहिए। फ्रेश फ्रेश पुदीना ऊपर से डालो ना, इतनी अच्छी खुशबू आती है ना। सॉटे मोड को करेंगे कैंसिल, ये जाएगा सीलिंग मोड पे, प्रेशर कुक 7 मिनट्स के लिए। जब ऑफिस से आऊंगी तो गर्मा गर्म लंच तैयार मिलेगा। ये बेस्ट बात होती है इंस्टेंट पॉट की, क्योंकि टाइमर सेट होता है वो अपने आप ही ऑफ हो जाएगा। और पहले भी मैंने बताया कि ये वाला 3 क्वार्ट का है, पर जब मैंने लिया था तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो आप लोग अगर 4 लोगों की भी फैमिली है ना, फिर भी 6 क्वार्ट ही लेना, वो ज्यादा हेल्पफुल होगा और प्राइस डिफरेंस ज्यादा होता है।
past the sight. I've realized I only want you. I hope it's not too late. I want you back here with me. We never should have said it's better this way. I'd rather be with you than someone I don't know. Now it's like we're living in two separate worlds. Come on back to me. मेरे और अनुज के लिए चाय. आप लोग पूछ रहे थे ये कौन सा ब्रांड है, तो कॉन्टिगो है, हमने कॉस्को से लिया था. काफी टाइम से अनुज यही वाला यूज कर रहे हैं. अनुज के लिए फ्रूट्स, ये मेरा ब्रेकफास्ट, एवोकाडो ब्रेड और पपाया. अनुज का ब्रेकफास्ट वो खा के जाते हैं. और एवोकाडो में मैंने बस डाला था सॉल्ट, पेपर और नींबू का रस. ईशा केयूष का ब्रेकफास्ट, ब्रेड के ऊपर चीज स्प्रेड लगाया है और ऑमलेट. और शुरुआत करेंगे आलमंड्स के साथ. एट ओ क्लॉक हो गए हैं, नहा लिया, पूजा पाठ हो गई, तैयार हो गई हूँ. और मैं अपने आप को किचन में 7:30 तक का टाइम देती हूँ. उतनी देर में जितना काम निपटता है उतना ही करती हूँ. पहले पहले लगता था यार किचन ठीक से साफ नहीं हुआ, डिश वॉशर क्लीन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बट अब मैं थोड़ी यूज टू हो रही हूँ. अब देखो हर चीज तो परफेक्टली नहीं हो सकती, इसलिए कोशिश ये होती है कि जितना करना है इम्पोर्टेंट है वो परफेक्टली हो जाए. मेरी मेन प्रायोरिटी होती है लंच और ब्रेकफास्ट. कि ऑफिस से आओ तो लंच बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे सबको बहुत ज्यादा भूख लगती है. ब्रेकफास्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट मील होता है दिन का. अगर ब्रेकफास्ट ना करो ना सब गड़बड़ हो जाता है. पांच मिनट था तो मैंने सोचा लॉन्ड्री डाल देती हूँ, जब तक आऊंगी तब तक धुल जाएंगे, फिर ड्रायर में डाल दूंगी. ठंडू है, जैकेट ले लेना था. ओह ओह मॉर्निंग डांस. ये देखो हमारे फ्रेंड्स के घर पे कितने अच्छे डालियाँ आए, येलो रेड. नमस्ते अंकल जी, बाय बाय. ओए 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 हो गया जी, हाफ टी खत्म. अभी मैं एप्पल खा रही हूँ, फिर घर जाके लंच करेंगे. ये एक अच्छी चीज हो गई है, मेरा फ्रूट खाने का वो बढ़ गया है. मॉर्निंग में भी पपाया लेके गई थी, पपाया तो मुझे पसंद है. और मैं एप्पल चढ़ाती हूँ ना आजकल प्रसाद में मॉर्निंग में, तो एक होता भी है कि प्रसाद फिर रखा ना रह जाए, तो मैं लेके आ जाती हूँ. ये एक गुड थिंग हो गई है, रूटीन में आ जाते हो. अगर आप ऐसे काम करते हो ना तो आपका एक सेट हो जाता है, फिर आप सोचते हो हेल्दी खाने का. हेल्दी खाने का और आपको लेके जाना है अगर, तो क्या लेके जाओगे? चिप्स चुप्स थोड़े ना लेके जाओगे, तब आप ऐसी चीजें ही लेके जाते हो. कल के उसने जो जूस बना के पॉपसिकल पाइनएप्पल ये तो है. ग्रेप्स और पाइनएप्पल ही तो डाला था आपने. इधर से नहीं दिखा मुझे. It's a little sour. दिखा? No, अच्छा यार. Okay. It's nice. Good job, Keyush. We did it. My best popsicle ever. We did it, Keyush. How did you buy Keyush it? Juice business successful. Yeah. Perfect popsicle business. Yes. I'll go get mine. Best popsicle ever. Best popsicle ever. अच्छा शॉप से भी बेटर है, ठीक है. तो चलिए दोस्तों लंच एंजॉय करते हैं और फिर बैक टू वर्क. उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने एंजॉय किया होगा. अच्छा लगा हो तो थम्स अप दे देना, सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना. और मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी. तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ मेकिंग पॉपसिकल मेमोरीज. चलो बाय बाय. With your colors, they kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way.